बहुत बहुत ग्रस्त चलाने वाली बात है, बहुत गजब की बात बोलने जा रहे हैं हम। जो जो ये चाहती हैं कि हमारी बेटियां विवाह के बाद प्रसन्न रहें, कभी उनके जीवन में अमंगल ना आए, उनका गृहस्थ हमेशा सुंदर बना रहे, वो हाथ उठाकर बताएं। जल्दी बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो, जल्दी बैठ जाओ। पीली पीली सुनो ध्यान से, सब चाहते हैं हमारी बेटियां प्रसन्न रहें। जब तुम्हारी बेटी का विवाह होता है और बहुत सारे फोटो सेशन हो जाते हैं, कम से कम 3 घंटा चलता है फोटो खिंचवाने का सिस्टम, ताऊ जी आ गए, मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए है, और कितने तो शराबी आते हैं आशीर्वाद देने, क्या किसकी शादी है, किस लिए आया, निकम्मे वो भूल गया क्या था, जिसे अपना खुद का होश नहीं वो तुम्हारी बेटी को क्या आशीर्वाद देगा बताओ। जिस बारात में, जिस शादी में, जिस उत्सव में शराबी मांसाहारी आ गए, वो बच्चों को क्या आशीर्वाद देंगे, जरा कल्पना तो करो। अरे पीना है तो घर में जाके मर जाओ, कम से कम बेटा और वर वधु जिसको हम लोग नर नारायण और लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, शिव और पार्वती के रूप में मानते हैं, उनके आगे तुम पी के जा रहे हो, स्टेज पे चढ़ा नहीं जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ते हुए उल्टी कर रहे हो, क्या आशीर्वाद दोगे तुम? और क्या ऐसे लोगों का आशीर्वाद लगेगा भी? ये प्रत्येक माँ बाप को नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बेटी को कौन आशीर्वाद देगा? साहब अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो, अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहो। प्रत्येक कार्ड पे सनातनियों को लिख देना चाहिए, शराब पी के आना सख्त मना है। शराब पी के आना सख्त मना है, ये हर कार्ड पे लिखना चाहिए शादी वालों को। पढ़े लिखते जलूल जलूल आना, अरे जरूर जरूर आके करेंगे क्या, करेंगे क्या? ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने गवाते शादी में, लगता ही नहीं कि शादी है, किसी का विवाह है, ऐसे लगता है जैसे नाचने वाले इकट्ठे हो गए सब। विवाह परंपरा है, वेद संबत है महाराज, थोड़ा इसके व्यवहार में हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर चाहते हो आपकी बेटियां खुश रहें, तो सबसे पहला काम करो, कार्ड पे लिखो शराब पी के आना मना है, कोई शराबी यहां मेरी यहां फंक्शन में ना आए। और यही लड़के वालों से कहा, तो शराब पी के कोई आ गया तो तेरी धुनाई कर देंगे, बड़ा दहेज मांगता बेशरम, ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए, तुझे जो चाहिए सो दे देंगे, पर हमें एक चीज चाहिए, हमारे द्वार पे शराबी ना आ जाए कोई, शराबी आ गया तो सब कैंसिल, उल्टा तुमसे ले और लेंगे हम, और धुनाई करेंगे वो अलग। पाणिग्रह है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, शराबी बुला लेते हो अपने घर में, यार बेकार की बात। सुनिए, जिस समय मां पार्वती का विवाह हुआ और जब विदाई का समय नजदीक आया, बड़े गजब की बात है, इस प्रसंग पे आपका जितना मन लगेगा आपको उतना ही शिक्षा मिलेगी। और ये कोई ज्यादा वैसा रोचक प्रसंग नहीं है, पर घर चलाने वाला परफेक्ट प्रसंग है और शिव पुराण में है। और इस प्रसंग को सुनने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस समय ये लगा कि अब बेटी की विदाई करनी है, मैना जी को पार्वती जी की विदाई करनी है, तो महारानी ने एक विद्वान ब्राह्मण पत्नी को बुलाया। किसको बुलाया? ब्राह्मण पत्नी को, ब्राह्मण को नहीं, उपदेश किसे देना है? पार्वती जी को। तो अगर देवियों का मामला है और वो भी पर्सनल इशू है, उसको बताना है, तो ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मणी को बुलाया। ब्राह्मणी को बुलाया और कहने लगी, मां मैना, कि ये अब अपने ससुराल जाएगी, ससुराल पहुंचेगी, कृपा करके इसे ऐसा उपदेश करो जिससे इसका गृहस्थ
प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, मंगल में रहे। आप उपदेश कीजिए। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापो घनासनी। हे देवी, मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्री का प्रभाव बता रही हूं, ध्यान से सुनो। जो इस संसार में पतिव्रता स्त्री होती है, जो इस संसार में पतिव्रता स्त्री होती है, उससे ज्यादा धन्य और महान कोई नहीं है। इस जगत में पतिव्रता नारी धन्य है, उसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। सब लोगों में पवित्र करने वाली, सभी लोगों को पवित्र करने वाली, सब लोगों को पवित्र करने वाली एक पतिव्रता स्त्री होती है। एक पतिव्रता स्त्री सभी बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर सकती, इतनी क्षमता होती है उसमें। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी के, स्वामी को परमेश्वर समान सेवा करती है, वह यहां अनेक भोगों को भोगकर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अपने पति के साथ यहां भी सुख भोगती है और वहां भी, वो भी उत्तम गति। किसको? पतिव्रता स्त्री को। पतिव्रताम च सावित्री लोपा मुद्रा हरुंधति सांडिल्या सत्रूपानुसुया लक्ष्मी सुधा सती। हे देवी, सुनो ध्यान से। इससे पूर्व सावित्री के विषय में आपने सुना है? सत्यवान सावित्री सुना है? सुना है कि नहीं? कई माताएं तो व्रत करती हैं। अब उस सावित्री के पास एक्स्ट्रा क्या था? क्या था सावित्री के पास सिवाय पतिव्रत धर्म के, पतिव्रत शक्ति के? उसके पास क्या था? पतिव्रता का वो बल है कि यमराज से अपने पति के प्राणों को ले आई। यमराज से, जो कोई नहीं कर सकता, वो सावित्री अपने पति के प्राणों को ले आई, यमराज से छुड़ा लाई। लोपा मुद्रा अरुंधति सत्य अनुसुईया, तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया। एक बार सत्य अनुसुईया जी के चरित्र की बड़ी प्रशंसा, इतनी पतिव्रता की उनके चरित्र की प्रशंसा हुई कि ब्रह्मलोक तक, शिवलोक तक, नारायण के क्षीर सागर तक पहुंच गई। तो देवियां जलने लगी, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, पार्वती, बोले हमसे ज्यादा थोड़ी हो सकती है, परीक्षा लेके आओ। तीनों देवताओं को परीक्षा लेने के लिए भेजा, और जब तीनों देवताओं को परीक्षा लेने के लिए भेजा तो तीनों देवता उस समय पहुंचे जब सती अनुसुईया जी स्नान कर रही थी। स्नान के समय तन पे वस्त्र कम ही होते हैं, वस्त्र तो होते कम होते, तो तीनों ने जाके कहा भिक्षाम देई भिक्षाम देई। तो माँ ने कहा, अच्छा ये गृहस्थ का नियम है, आगे जाके पता चलेगा तो मैं आगे बोलेगी वो ब्राह्मणी। पति का गृहस्थ धर्म न डिग जाए इसका पूरा ध्यान पत्नी को रखना चाहिए।
जैसे पति घर में नहीं है और कोई पीछे से द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए आ गया और पत्नी ने उन्हें ऐसे ही लौटा दिया, तो आपके पति का गृहस्थ धर्म नष्ट हो गया। सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, जो भी द्वार पे अतिथि आए। अगर भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया है तो जो वो चाहे अतिथि वो ही मुझे करना चाहिए, यही गृहस्थ धर्म है। सती अनुसुईया जी स्नान कर रही हैं, वो आ गई, बोले भिक्षाम दे ही। तो उन्होंने कहा मैं स्नान कर रही हूं, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं आती हूं। उन्होंने कहा जितनी देर यहां प्रतीक्षा करेंगे कहीं और जाके मांग लेंगे, हम क्यों रुके यहां। अब अगर आया हुआ अतिथि वहां से निराश होकर चला जाए तो गृहस्थ के सारे पुण्य नष्ट हो जाते उसी समय, उसी समय। तो देवी ने कहा कि अगर मैं ऐसे जाती हूं तो बड़ा मंग, इस समय तो ठीक नहीं होगा इस वेश में जाना, और ये लौट गए तो मेरे गृहस्थ आश्रम का जितना भी पुण्य है सब ये ले जाएंगे, क्या करूं। उसी समय उन्होंने अपने पति का नाम स्मरण किया, जल लिया और मन ही मन में कहा कि अगर मैंने अपने मन से कभी भी अपने पति की सेवा विस्मृत न की हो, सच्चे मन से अगर मैंने अपने पति की सेवा की हो, तो तीनों जितने भी बड़े हैं वो बच्चे हो जाएं, चाहे जो हो। और वो तीनों बच्चे हो गए। कौन कौन कौन? त्रिलोकी के कर्ता, भरता और रचयिता, सब तीनों। एक सृष्टि बनाने वाले, एक पालन करने वाले, एक संहार करने वाले, तीनों को बच्चा बना दिया किसने? आजकल इस पतिव्रता स्त्री की बात को बताएं तो सब कहेंगे मजाक कर रहे हैं, पंडित जी लोग पागल बनाते। क्यों? हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं, हम अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहते, उनके प्रभाव को नहीं, उस प्रभाव को हम नहीं जानते कि उसका प्रभाव क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते पतिव्रता स्त्री से, बच्चे बना दिए। ये प्रभाव है पतिव्रता स्त्री का। शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि बहुत सी ऐसी देवियां हुई हैं जिन्होंने अपने पति व्रत के बल पर संसार में सम्मान को प्राप्त किया। ये सभी पतिव्रता धर्म के प्रभाव से मान्य तथा पूज्या हुई हैं। हमें यह बात समझनी चाहिए देवी, पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? सुनिए, स्त्री को चाहिए जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे, पति से पहले कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और आप सब ऐसा करती हैं मुझे मालूम, जब पति दे भोजन कर लेते उसके बाद ही। सच्ची बोल रहे हैं हम, ऐसे नहीं, कौन कौन करती है ऐसा? कई बार ऐसा होता था कि पति बाहर गए हुए किसी कार्य से, अब पता ही नहीं विदेश में है पति, देश से बाहर है या देश में ही है, घर से बाहर है, अब कैसे पता चले कि पति ने भोजन कर लिया होगा। तो ये बहुत सुंदर वर्णन किया गया, वो देवियां हमेशा 4 बजे भोजन करती थी। क्यों? बोले 4 बजे तक चाहे जाओगे अब तक तो भोजन कर ही लिया होगा, अब भूखे नहीं होंगे। भाई लास्ट टू लास्ट, लेट टू लेट होगा तो कितना, 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, 4 बजे तक कोई भूखा नहीं रहा, कुछ ना कुछ खा ले, उसके बाद वो खाती थी जिनके पति घर से बाहर रहते थे। आहा, क्या हमारी संस्कृति रही। कई माताएं ये भी कह सकती हैं सारा दुख देवियों के लिए क्यों है, कह सकती हैं, ऐसा नहीं, आगे हम बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनो, आगे बहुत अच्छी बात है। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे, पतिव्रता स्त्री के लक्षण है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको करना है, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके लक्षण है कि पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले स्वयं जाग जाए, पति का सर्वदा छल रहित होकर
हित करे, मतलब जिसमें पति का हित हो वही करना चाहिए, अपना हित कभी नहीं देखना चाहिए। जिसमें पति का हित हो वही मन से काम ना करनी चाहिए, छल रहित होके वही काम करना चाहिए। आज पतियों का बड़ा मन लग रहा है, मैं देख रहा हूं कथा में, इतने ध्यान से इन्होंने 5 दिन कभी कथा नहीं सुनी जितना ध्यान लगा के आज सुन रहे। हाँ, ये पहले ही दिन बोलना थी आपको ये कथा। अब भाई प्रसंग में अब आई है तो मैं कैसे बोल देता पहले, पार्वती जी की विदाई अब आई है ना, तो अब ना बोलूंगा मैं, पहले दिन कैसे बोल दूंगा। ठीक ठीक है ना माताओ, आज ही आई है प्रसंग तो सुनो। जिसमें पति का हित हो वही कार्य देवी को करना चाहिए। एक और बात, ये देवियां बड़े ध्यान से सुने, कभी भी अलंकार से रहित होकर अपने स्वामी के सन्मुख न जाए। अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो पति के पास जब जाए तो श्रृंगार करके ही जाए। जो भी गहने वहने 16 श्रृंगार होते हैं माता बहनों के, पाउडर बॉर्डर क्रीम व्रीम काजल वाजल बिंदी बाल बूल बना के बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के गहने वहने पहन, हमेशा सुंदर बन के रहे पति के आगे। मैं नहीं कह रहा हूं, कसम से शिव पुराण कह रहा है। मेरा इसमें कोई मतलब लेना देना नहीं है मेरा। आपने कहा सुनाओ तब सुना रहा हूं, आप अभी भी कह दो तो मैं निकल जाऊंगा, एक सेकंड में निकल जाओ, आप बोलो। अब ये तो आपके कितने मतलब की बात है, जब भी पति पूछे क्या तुम 24 घंटा पाउडर सडर लग, तुम नहीं जानते। आप सुनिए नाथ, शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि पति के सामने जब भी जाओ 16 श्रृंगार करके जाओ। अरे बहुत खर्चा बढ़ रहा है शिव पुराण के अनुसार, थोड़ा और एक्स्ट्रा कमा लीजिए नाथ, पर हम शिव पुराण का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब बताइए इसमें आपका हित है कि नहीं, कितना सुंदर श्रृंगार। वो आप अपने हाथ से करना, कहीं पार्लर वालों को पैसा वाला बनवा दो, वो नहीं, अपने हाथों से नहीं। इसमें सच्ची में लिखा है, क्यों रीजन है उसके पीछे, ध्यान से सुनना, इसका ऐसी अकारण बात नहीं है, अकारण विषय नहीं है, सबके पीछे कारण है। बिना श्रृंगार के देवियां जैसी भी हों ऑलवेज तो सुंदर नहीं लग सकती ना, उठ रही हैं जब जग के आई तो मुंह कैसा होगा, बाल बिखरे हुए होंगे, विकराल अशुभ रूप कई बार दिखता है, और कई बार शुभ भी होता है पर कई बार अशुभ भी होता है, आंखों में वो सफेद सफेद आ जाता है, आता है कि नहीं, वो पुरुषों के भी आता है। लेकिन इसलिए कहा पति से पहले उठ के स्नान करके श्रृंगार करके भगवान को नमन करके फिर पति के सामने जाए। जब तुम श्रृंगार करके पति के सामने जाओ तो जैसे ही सुबह पति उठे तो उन्हें लगे जैसे साक्षात लक्ष्मी हमारे सामने आई है, इसलिए कहा है। ऐसे नहीं कहा है, कितनी तो बिना नहाए धोए रसोई में घुस जाती हैं और झट ताम लोटे तरब उधर कर करू के सब सुपड़ा साफ, भगवान है गो कल्याण, हमारे ब्रज में कहें तमाम गोच कर दें, बेकार कर दे एकदम गोच। बिना स्नान किए रसोई में कभी नहीं जाना चाहिए। अब हमारे शास्त्र कहते जब व्यक्ति सोता है तो आधे मुर्दे के बराबर है, और आधा मुर्दा उठ के चला गया रसोई में बना दी चाय, तो बताओ क्या परिणाम होगा उस चाय का, पीने वाले पे क्या असर होगा उसका। माताओं बहनों, शास्त्र कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, ग्रंथ जितने भी हैं, अभी तो मैंने एक बात बताई नहीं, सुनो। अब लोग कहते देवियों के साथ भेदभाव करते हैं लोग, है ना, ऐसा कहते हैं, सुनो अब एक और बात यही बता देता हूं। जो भरी जवानी में पुरुष, भरी जवानी में जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाता है, समझ गए, जो अपनी पत्नी को भरी जवानी में मतलब जवान हो और फिर उस समय छोड़ के चला जाता है, उसे 7 जन्मों तक स्त्री बनना पड़ता है। कितने,
सात जन्मों तक, और ये दुख झेलना पड़ता है जो तुमने उस देवी को दिया। अब बताइए कौन स्त्री है कौन पुरुष, किस में भेद कर रहे हो आप? आप कहो ये पुरुष ने किया तो वही पुरुष सात जन्मों तक अगले जन्म स्त्री बन गया, फिर अब कौन रहा पुरुष? जो शरीर में जो आत्मा चली गई वो शरीर का धर्म है, स्त्री पुरुष का भेद मत करो। यहां आज आप स्त्री के शरीर में हो, कल आप पुरुष के शरीर में होगी, कल और उसके बाद किसी और शरीर में होगी। सात जन्मों तक स्त्री बनना पड़ता है उस पुरुष को जो अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाता है दूसरी के चक्कर में, या बिना चक्कर में भी छोड़ के चला जाए, नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां अगर वानप्रस्थ में भी जाते तो कब? 50 के बाद, तब जवान नहीं होते, वो नियम है, फिर वो चलो वो पालन करो, धर्म है वो। तो पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि पति के सामने जब भी जाए 16 श्रृंगार करके जाए। एक और बात बड़ी अच्छी लिखी है, इस पे शायद देवी थोड़ी बहुत रुष्ट हो सकती हैं, सो मेरा अपराध नहीं है, मतलब शिव पुराण में लिखा है, मुझे बख्श देना बस। शिव पुराण में लिखा है कि पति अगर घर में ना हो तो कभी श्रृंगार ना करे। कितनी सुंदर बातें सिखाई जा रही है। आप सुंदर लोगों की दुष्ट लोगों की नजरें उठेंगी, दुष्ट लोगों की नजरें उठेंगी, वो आपको गलत दृष्टि से देखेंगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करेंगे। क्या देखो है ना, बचाने की क्रिया है, कितना नियम सोच समझ के, एक एक चीज जो माँ बाप भी नहीं सोच सकते, इतना महीन सोचा गया है हमारे शास्त्रों में आपके कल्याण के लिए। आजकल क्या होता, विवाह नहीं होता उससे पहले श्रृंगार कर करके घूमते, कैसे कैसे कमेंट मिलते हैं सुनने को, बताओ ईमानदारी से। स्कूलों में ही जाते तो आधे से ज्यादा मेकअप करके जाते हैं, जाके देख लो अगर हमारी बात ना मानो तो, ईमानदारी से बोलो हां या ना, किसके लिए श्रृंगार हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? कुछ तो धर्म का पालन हमको करना चाहिए। ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। राक्षसों के विचार लेकर हमें अपनी जिंदगी राक्षसी नहीं बनानी चाहिए, हमें अच्छे विचार पालने चाहिए। अच्छे विचार हम पालेंगे तो अच्छा ही होगा। तो पति घर घर में ना हो श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ये पुराण में लिखा। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी उच्चारण न करे। क्या ना करे, जोर से बोलो, अपने पति का नाम कभी उच्चारण ना करे।